प्रणाम उत्तराखंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच पर मौजूद हैं। जैसे कि उत्तरायणी का त्यौहार पूरा उत्तराखंड मना रहा है जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ, तो आज हम आपको इस रैली की थोड़ी सी छोटी छोटी झलकियाँ दिखाने वाले हैं। 40 वर्षों से लगातार उत्थान मंच काम कर रहा है पहाड़ की संस्कृति सभ्यता के संवर्धन के लिए। आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें पगडंडी। आइए लुत्फ लीजिए इस प्यारे से रैली का। This show is presented by Narmada Bhog. साथ वही जो अपनों को करीब लाए। तो इस वक्त यहाँ नंदा राजजात यात्रा का जो एक सांकेतिक रूप है वो दिखाया जा रहा है। पर्वतों की देवी, पहाड़ों की देवी नंदा राजजात, और उस संबंध भाई साहब यहाँ मौजूद है। नमस्कार भाई साहब, आप बताएंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नेत्र वल्लभ जोशी। तो आपने नंदा देवी का जो है एक सांकेतिक रूप यहाँ पर दिखा रहे हैं। नंदा राजा यात्रा जो हमारी बड़ी प्राचीन यात्रा है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये छतरी है, गोला है, और ये पौराणिक कथा है कि नंदा देवी जो ये नंदा अपनी मायके गई तो 12 साल तक उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, तो 12 साल तक वो वहीं तो विराज की तरह पड़ेगी। तो जब उसको विदाई, जब ये अपने ससुराल जाने लगी तो उसको पूरे गांव वाले विदाई करने आ रहे हैं। हमारी रामाश्रय समिति है, आपकी समिति है, किसके द्वारा करवाया गया? रोहन पाठक जी मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार, आपको उत्तरायणी पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई दीदियो, पहाड़ी में ही दीदियो। आप हमारे यहाँ हल्द्वानी और पूर्व कुमाऊं में भाबर तराई में चतुर्ले पहाड़ ले, और जय जय समाज के लोग रहने चाहिए उन्हें भूत है मकर संक्रांति, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर सांकेतिक लिंग बनाए तोलिया जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको उत्तरायणी त्योहार की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब ये एक्चुअल में हमारा जोहार की जो संस्कृति है, क्या हमारा पहनावा है, वेशभूषा है, और क्या क्या चीज हम यूज करते हैं, तो उसका हमने थोड़ा सा प्रदर्शन किया हुआ। बताइए वेशभूषा हमारी ये घगरो कमलो कहते हैं इसको। अच्छा। और सर्व जो सफेद है इसको कोटी बोलते हैं। अच्छा। और ये नथुली होगी जैसा कि कुमाऊनी संस्कृति में भी है। और ये हमारे गहने मूंग की मालाएं हैं। अच्छा। तो ये हमारे पहनावा है, हमारा स्त्री का पहनावा है जोहार की। पूरा पहनावा पूरा एक सांकेतिक रूप आप यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जोहार की एक छोटी सी झलकी आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता रावत है। अच्छा, तो आप क्या दिखा रहे हैं आज? आज ये उत्तराखंड में ये कुख्यात त्यौहार मनाते हैं इसको। हाँ। आज हम कुख्यात बनाएंगे। हाँ। कल सुबह हम कौवे को सुबह सुबह बुलाएंगे, आमंत्रण करेंगे उनको, अले कौवा गुप्ते माला खा ले करके ऐसे बुलाते हैं। अच्छा। और दिन में खिचड़ी बनाएंगे। अच्छा। और इस त्योहार में हम ये दिखाना चाहते अपने पारंपरिक ड्रेस जो हमारा पाश्चात्य संस्कृति में चल रहा है, आती युवा पीढ़ी जींस में टॉप में चल रहा है। हाँ। तो ये चीज हमारे ये पारंपरिक ड्रेस विलुप्त होने के कगार में, तो हमारा ये उद्देश्य है कि इस मेले के दौरान हम अपना ये पारंपरिक ड्रेस पहन के लोगों को बताएं कि हमारा ये ड्रेस है, उससे वो विलुप्त ना होने पाए। और हम लोगों ने हमारे महिला संगठन सौखा संगठन है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि शादी जैसे घर में मेरे घर में शादी होगा तो हम एक दिन ये ड्रेस जरूर पहनेंगे। अच्छा। साड़ी वाड़ी तो रोज पहनती ही पहनते हैं। इसको इसको टोपी बोलते हैं, इसको कंगन बोलते हैं, इसको कमल, इसको घाघरा, और तीनों पट्टी बांधते हैं। तो पट्टी बांधने से इतना सपोर्ट अच्छा लग रहा है। हम लोग वैसे टी शर्ट वगैरह में जाते तो वो लूज हो जाता है, तो इससे बढ़िया सपोर्ट लग रहा है। तो इसका ड्रेस का भी प्रदर्शन हो गया, त्योहार का भी मजा उठा रहे। दोनों चीजें यहाँ पर होगी। एक छोटी बच्ची भी बैठी हुई है आपके साथ में, क्या नाम है आपका? मैं तो क्या, आपके कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फोर्थ में। फोर्थ में, तो आज आपने क्या पहना हुआ है पता है आपको? हाँ।
किसने पहनाया? मम्मी ने पहनाया। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, तो आपने ये जो ऊपर पहना हुआ है इसका नाम पता है आपको क्या कहते हैं? सर नहीं पता है, लेकिन अच्छे लग रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा परिवेश है, ये हमारा परिधान है, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की, हमारा साहित्य क्या कहता है। और यहाँ पर एक दादाजी है जो कि सिलाई कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका किस नाम क्या है? मेरा गोकर्ण सिंह धम सकता हूँ। अच्छा, मैं ये हमारे ये जो मेले में जो है ये अपने जोहार शोका जो हिमालयी पर्वत के रहने वाले हम लोग जोहार मुंशारी के हैं, वो अपने पुराने ट्रेडिशन को दिखा रहे हैं। ये चरखा हमारा पुराने इसे ऊनी कारोबार होता था। अच्छा। पहले जमाने में, अब वर्तमान में ये लुप्त होने जा रहा है। बड़े बड़े लंबे कोट, लंबे कोट जो लंबे कोट हमें देखने को मिलते हैं, हाँ इसी से बनते हैं कोट और स्वेटर की है, ये सारे बुनाई होती है इससे। अच्छा। और ये पीछे देख रहे हैं आप, ये कालीन है, कालीन है, ये कालीन बनाने का मशीन है ये। अच्छा, ये क्या बात है। ये तो कालीन बनाने की मशीन भी यहाँ पर मौजूद है। ये हमारी पहाड़ की संस्कृति को दिखा रहा है, हमारे परिवेश को दिखा रहा है, ये अपने पुराने ट्रेडिशन को दिखा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो गुड़िया त्यौहार है, किस तरह से मना रहे हैं इस बार? और ये आज गुड़िया त्यौहार जो हमारे उत्तरांचल में सारे पर्वतीय लोगों का जो है ये बहुत बढ़िया त्यौहार है, इसको हर्षोल्लास से हम लोग मना रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो ये जो हम पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बात हो रही है हमारी परंपरा की, बात हो रही है हमारे परिवेश की, और ये हमारे पर्वतीय समाज का एक विभिन्न अंग है, जिस पर उड़िया समाज, रंग समाज जिसको हम कहते हैं, उनका अपना एक अपनी एक संस्कृति, अपना एक साहित्य है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहे, देखते रहे पगडंडी। हम कोशिश करेंगे आपको ऐसे ही अपडेट देने के लिए। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है और बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।